ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं रांची में सीआरपीएफ कैंप, जहां पर शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कई वरीय अधिकारी पहुंच चुके हैं यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। कई और लोग भी पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें, कश्मीर में कल साहिबगंज के जवान शहीद हुए थे। कश्मीर के मलबाग में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें साहिबगंज के जवान शहीद हुए थे। कुलदीप उरांव, जिनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है रांची और सीआरपीएफ कैंप में, पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ हजरतबल दरगाह के पास स्थित मलबाग इलाके में हुई थी। खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा था। यहाँ पर इन्हें जानकारी मिली थी कि आतंकी छिपे हुए हैं। जब ये तलाशी अभियान चला रहे थे, उसी दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चला दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गया। शहीद कुलदीप उरांव के पिता अभी सीआरपीएफ से रिटायर हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी सीआरपीएफ में सेवा करते हुए शहीद हुआ है, इस बात का उन्हें गर्व है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया था कि तीन जवान इस हमले में जख्मी हुए थे। घायल जवानों को 92 बेस सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से घायल सीआरपीएफ जवान कुलदीप ने अस्पताल में ही अंतिम सांसें ली। इससे पहले सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इलाके की घेराबंदी की थी। सघन जांच अभियान चलाया गया था। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी थी। कुलदीप के पिता घनश्याम उरांव सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान हैं और कुलदीप की पत्नी भी कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल हैं। इनके दो छोटे बच्चे हैं जो अपनी मां के साथ कोलकाता में ही रहते हैं। साहिबगंज में उनके पिता और भाई रहते हैं। इस खबर के बाद पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन गर्व भी है, फख्र भी है अपने लाल की शहादत पर। शहीद के पिता ने कहा कि इस बात का उन्हें गर्व है कि उनका बेटा शहीद हुआ है, लेकिन सरकार को आतंकवादी घटनाओं से सबक लेते हुए कोई स्थायी निदान करना चाहिए, ताकि हमारे वीर जवान इस तरह शहीद ना हो। आपको बता दें कि शहीद के पिता भी सीआरपीएफ से ही रिटायर हुए हैं। पूरे गांव में इस खबर के बाद मातम पसरा है। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीआरपीएफ कैंप रांची से, जहां पर कई अधिकारी पहुंच चुके हैं। सीएम भी पहुंचेंगे शहीद जवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें देखिए, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं शहीद जवान को अंतिम सलामी देने के लिए, उन्हें श्रद्धा। ओ वतना वे, मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला।
पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में इतनी सी है दिल की आरज़ू। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की शहीद जवान को। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं सीआरपीएफ कैंप, जहां शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अंतिम सलामी दे रहे हैं। इस शहादत को न्यूज 11 भारत भी सलाम करता है, जिसने अपने देश की रक्षा में अपनी जान की आहुति दी। चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।
प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक एक कर कई वीआईपी पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये दान होता है, बलिदान होता है, शहादत को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है और अपने वतन की रक्षा में, अपने देश के लोगों की रक्षा में जवान अपनी शहादत देते रहे हैं। और एक बार फिर साहिबगंज के जवान ने अपनी शहादत दी है। कल कश्मीर के मालबाग में आतंकी हमले में घायल हुए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान इन्होंने अंतिम सांसें ली। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। केसरी हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा डीजीपी भी पहुंचे शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कई और लोग पहुंचे हुए हैं, कई अधिकारी भी जिन्होंने शहादत को सलाम किया, अंतिम सलामी दी। साहिबगंज के जवान जो कल शहीद हुए कश्मीर में आतंकी हमले में, 133 बटालियन में फिलहाल श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई लोग पहुंचे हैं शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के मालबाग इलाके में कल रात ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में साहिबगंज निवासी सीआरपीएफ जवान कुलदीप उराव शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की जानकारी दी और परिवार वालों को भी कमांडेंट ने फोन करके इसकी सूचना दी। पिता ने बताया कि अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल और आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हुए थे। इलाके की घेराबंदी इन्होंने की थी, उसी दौरान आतंकवादियों ने इन पर हमला कर दिया। 3 लोग घायल हुए थे, इन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ कुलदीप उराव ने अंतिम सांसें ली। आज फिर से झारखंड का एक सपूत, देश की गरिमा, देश का सम्मान के खातिर अपनी बलिदान दी। गर्व भी है और मन में दुख भी है, लेकिन इसी के बीच ये तय करना होता है कि देश के प्रति हर एक नागरिक की भी जिम्मेवारी है। आज ऐसे वीरों का शहादत व्यर्थ ना जाए, हमेशा ये बातें देश के नागरिक को याद रखना चाहिए। झारखंड प्रदेश के लोग आज से नहीं, सदियों से अपनी बलिदानी देते आए हैं और
देश की रक्षा के लिए हमेशा किसी भी परिस्थिति कहीं पर भी बिना रुके बिना थके हमारे नौजवान अपने को हर कुर्बानी के लिए तैयार रखते हैं, हमें इस पर गर्व है। सुशील भाई हर कोई वाकिफ है और हम इतना ही कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो शहीदों का जो खून है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि देश हित में लोग बलिदान हो रहे हैं और आज तो मैं परमात्मा से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को हिम्मत और ताकत दे। ठीक है, तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक कर लोग पहुंच रहे हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डीजीपी तमाम लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और कई और लोग पहुंच रहे हैं जो इस शहादत को सलाम कर रहे हैं।